हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह अपने फ़ोन पे में UPI पेमेंट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह अपने फ़ोन पे से UPI पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। हाँ दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह अपने फ़ोनपे में UPI पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर क्वाइन एप्लीकेशन में UPI पेमेंट के ज़रिए SIP करके दिखलाता हूँ। यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर UPI पर सेलेक्ट करना है। ये सीधे आपको अपने बैंक डिटेल्स के UPI पेज में ले आएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वेट करना है। आपको UPI पेमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन में जाना है और आपके फ़ोनपे में UPI पेमेंट का ऑप्शन शो होगा। आप यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको UPI पेमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, यहां पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको यहां पर पे पर क्लिक करना है और आपको यहां पर अपना फ़ोनपे पासवर्ड एंटर करना है और आपका UPI पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन में UPI पेमेंट कर सकते हो। अगर आप स्कैनर पर UPI पेमेंट करना चाहते हो तो आप स्कैन करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा UPI पेमेंट करने के लिए अपने फ़ोनपे में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे यूजफुल वीडियोज इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।